देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल है। गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, वहीं अगले साल मध्य प्रदेश और राजस्थान की बारी है। गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता मुद्दा बनता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को उन्होंने बड़वानी में कहा कि वो समान नागरिक संहिता के पक्षधर हैं और मध्य प्रदेश में इसके लिए कमेटी बना रहे हैं। कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली, होता है कि नहीं होता? अरे बोलो रे भैया। और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते। बोलो ऐसा होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं, बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चले? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं, समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? बताओ मेरी बहनों, होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, मामा खड़ा है, होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो शादी कर ली और उसके नाम पर जमीन खरीद ली, इधर उधर कर लिया, कहीं तो सरपंची का चुनाव लड़वा देते। पता चला कि है कहीं के, आ कहीं से गए, शादी कर ली और कहा तू सरपंच बन जा ताकि पैसा मैं खा जाऊं। अब मामा ऐसे लोगों को लटकाएगा, छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पर। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उपलब्धि जब नहीं होती है बताने के लिए तो वो इस तरह से बातें करते हैं, चुनावी भाषण देते हैं, जिससे कि लोग बढ़ सकें और लोगों में उनकी राजनीति चमक सके। हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है। जयराम रमेश जी, कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जो हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी चर्चा चाहती है। कांग्रेस पार्टी UCC पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, समान नागरिकता अधिनियम के ऊपर चर्चा चाहती है सदन के अंदर। सदन जगह है चर्चा करने की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला के पटल पर रखे, सदन के विधानसभा में रखे, लोकसभा में रखे, क्या आंकड़े हैं, क्या तथ्य है, किसके ऊपर वो इसको लागू करना चाहते हैं और डिटेल चर्चा करें, और डिटेल चर्चा के बाद निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चर्चा से भाग जाती है। भारतीय जनता पार्टी तो चुनावी मैदानों में चर्चा करती है ताकि उसका उनको राजनीतिक लाभ मिल सके, और कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी बड़वानी में आदिवासियों के कार्यक्रम में एक उनके खुद के मंत्री जिनकी चार पत्नियां हैं उनके हाजिर सामने ये बयान देते हैं कि एक से अधिक शादियों को रोकने के लिए UCC को लागू करना जरूरी है। तो ये क्या आदिवासियों के जो राइट्स हैं, हमारे आदिवासी वर्ग के जो परंपराएं हैं और जो उनको संविधान ने अनुमतियां दी हैं उसके अंदर हस्तक्षेप करने का इरादा है इनका? क्या उससे छेड़छाड़ करना चाहते हैं? कितनी बार आदिवासी वर्ग से छेड़छाड़ करेंगे ये मुख्यमंत्री महोदय स्पष्ट करें। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर आरिफ मसूद ने इसका विरोध किया है। सिविल पर शिवराज सिंह जी के बयान केवल जुमलेबाजी और चुनावी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है और सत्यता से परे है, सच्चाई से बहुत दूर है। इसलिए दूर है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ट्राइबल का जो कानून है उसके लिए क्या करेंगे? ट्राइबल का अलग कानून है, नॉर्थ ईस्ट में जो अलग कानून चल रहा है उसका क्या करेंगे? ऐसे बहुत सारे रिलीजियस के कानून हैं जो सबके अलग अलग हैं, तो उसके चलते किस तरह का कॉमन सिविल बनाना चाहते हैं? ये केवल एक भ्रम है और मुस्लिम पर्सनल लॉ को एक ठेस पहुँचाने वाला काम है, केवल एक भ्रमित करना ताकि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ का नाम हाईलाइट करके जो महंगाई, जो भ्रष्टाचार, जो खुद की गलत नीतियाँ हैं उससे मतदाता का दिमाग हटाकर ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने का एक स्टैंड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। सरकार के लिए सभी समान नागरिक होते हैं, उनके लिए कोई धर्म, जाति, क्षेत्र महत्व नहीं रखता। उसके लिए इसीलिए ये कहा जा रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही कानून से जो सारों पर लागू होगा उसकी
बनाने की बात की जा रही है और हरियाणा में भी हम विचार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल सही और सटीक सोचा है, सटीक बयान दिया है और उसमें करने वाले भी हैं। जो समान संहिता लगा रहे हैं, नागरिक संहिता, वह लागू करना चाहिए। भाई मेरे आदिवासी बंधुओं के चार चार शादियाँ करने का जिनको अधिकार मिला हुआ है समाज में, वो बहुत षड्यंत्रपूर्वक ढंग से उनकी ज़मीनों पर कब्जे करने के लिए और अन्य प्रकार के दुराचार करने के लिए इस प्रकार का शादियों का उल्लेख जो होता है उनको अधिकार दिया गया है, उसको रुकना चाहिए और समान नागरिक संहिता बनना चाहिए, 100% लागू किया जाना चाहिए। जैसे मैं रायसेन जिले का प्रभारी, मैं देखता हूँ कि वहाँ एक विशेष समुदाय के लोग आदिवासी युवतियों से शादी करते हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, उनकी ज़मीनों का, उनकी महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं। इसलिए किसने अधिकार दे दिया चाचा शादियाँ करने का? इसलिए इस देश में और प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता बनना चाहिए और इस पर सख्ती से कार्रवाई भी होना चाहिए और कर भी रहे। हम उसका समर्थन करते हैं और ये देश के लिए आवश्यक भी है और उसके लिए उन्होंने कमेटी गठित करने का जो निर्णय लिया उसका भी हम स्वागत करते हैं। और एक देश समान एक कानून होना चाहिए सबके लिए, क्योंकि एक से अधिक शादी क्यों करें, जनसंख्या क्यों बढ़ाएं, और इसलिए देश को अगर आगे बढ़ाना है तो समान नागरिक कानून संहिता होना चाहिए। देश में एकता लानी है तो समान कानून संहिता लागू होनी चाहिए।